अल्लाह के पास है, अल्लाह को किसी से मांग कर देना नहीं पड़ता, और धरती में जो भी है वो अल्लाह का मंगता है, अल्लाह का सवाली है। अगर कोई ऐसा इंसान जो पानी के गंदे कतरे से पैदा हुआ, जो मां के पेट और गंदगी की जगह से निकला, वो इंसान अपने आप को वो अलकाब दे जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की खासियत है, कहने के लिए धरती वालों के लिए तो बड़े चर्चे की बात है, लेकिन मालिक के नजदीक ऐसा इंसान खबीज है, जलील है, हकीर है, और उस पर अल्लाह का गजब नाज़िल होता है। इसी तरह लोग अपने सरदारों को सैयदुन्नास, सैयद-ए-कुल, ये सब के सरदार, ये पूरी इंसानियत के सरदार, अपने पीरों, फकीरों, मौलवियों, मुल्लाओं, हुकाम और बड़ों के लिए ये जुमले इस्तेमाल करते हैं। ये कलिमा कहना भी हराम है, क्योंकि सैयदुन्नास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, आना सैयदु वुल्दे आदम, आदम की पूरी औलाद की सरदारी अल्लाह ने मोहम्मद को अता की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वला फखर, नबी फरमाते हैं मैं इस पे गरूर और फखर नहीं करता। आदमु वमन सिवाऊ तहत लिबाई, आदम से लेके उसके आखिरी बेटे तक मोहम्मद के झंडे के नीचे खड़े होंगे। सैयदुन्नास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सैयद-ए-कुल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे यहां एक और जुमला खास तौर पे पाकिस्तानियों में मशहूर है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। अरे कायदे आजम सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे बड़ा कायद, कायदे आजम सबसे बड़ा कायद, मुसलमानों का सबसे बड़ा कायद मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायदे आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम आजम। वो कहता है मेरा इमाम बड़ा, वो कहता है मेरा इमाम बड़ा। कोई अबू हनीफा को इमाम आजम कहे, कोई किसी और को इमाम आजम कहे, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है, और इसके लायक सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बाकी सब छोटे, बाकी सब उम्मती, बाकी सब पीछे चलने वाले, इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह, कायद आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह, सैयदुन्नास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अपने लीडरों को, अपने मौलवियों को, अपने चौधरियों को, अपने वडेरों को वो मकाम दे जो मकाम मोहम्मद अलैहि सलाम का है, वो अपनी जुबान के जुमलों पर अल्लाह के अज़ाब की उम्मीद रखे, वगरना तौबा करके ये मकाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे। कोई इमाम हो सकता है, कोई कायद हो सकता है, कोई रहबर हो सकता है, कोई रहनुमा हो सकता है, लेकिन रहबरों के रहबर, इमाम आजम, कायद आजम, इमाम उल अंबिया सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी जुबान से निकले हुए जुमलों पे गौर कीजिए, कहीं हम किसी को वो मकाम तो अता नहीं कर रहे, किसी के लिए वो कलिमात तो अदा नहीं कर रहे, किसी को वो अथॉरिटी हम नहीं दे रहे कि जनाब ये काबिल कुदात है, जो ये फैसला कर दे वो हमारे लिए आखिरी फैसला है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम पावर है, ये सुप्रीम कोर्ट है, इस अदालत के किसी फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसी जात सिर्फ अल्लाह की जात है, और अल्लाह के हुक्म से फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। किसी मोमिना के लिए जायज नहीं, इज़ा कज़ा अल्लाहु व रसूलु, जब अल्लाह फैसला कर दे, उसका रसूल फैसला कर दे, फिर उसमें अपनी मर्जी, अपना इख्तियार, अपनी बात कहे। सुप्रीम पावर अल्लाह की है। आपने अक्सर ये जुमले सुने होंगे, अवाम ताकत का सरचश्मा है। कई सियासी पार्टियां, सियासी तंजीमें अपनी जुबान से ये कलिमात अदा करती हैं, अवाम ताकत का सरचश्मा है, ये ताकत का मंबा है, सारी ताकत अवाम के पास है, अवाम जिसको चाहे ऊपर लाए, जिसको चाहे नीचे गिराए। ये जुमले गलत हैं, ताकत का सरचश्मा अल्लाह है, सुपर पावर अल्लाह की है, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है, सबसे बड़ा फैसला अल्लाह का है। अपनी जुबान से निकलने वाले जुमलों पे गौर कीजिए, कहीं ये जुमले
शिर की वादी में तो नहीं गिरा रहे, कुफर की वादी में तो नहीं ले जा रहे, इन जुमलों से मोहम्मद करीम की तौहीन तो नहीं हो रही। क्योंकि अल्लाह के नाम वो प्यारे नाम हैं, वो प्यारे अस्मा हैं, जिनका एहतराम करना हर अहले ईमान पर वाजिब है। और इसके एहतराम की एक सूरत यह भी है कि जो नाम खास अल्लाह के लिए है, जो खास अल्लाह का खासा है, वो किसी और को न दिया जाए, वो किसी और के लिए इख्तियार न किया जाए। और अगर कोई गलती से किसी और के लिए इस्तेमाल कर ले, उसे इलम ना हो, इलम होते ही वो तौबा ताइब हो, अल्लाह के दरबार में अपने गुनाहों की माफी मांगे। अबू शुरह फरमाते हैं, अबू दाऊद के अंदर ये रिवायत है कि मेरी कौम मुझे अबुल हकम के नाम से पुकारा करती थी। एक मरतबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी सल्लम ने मुझे बुलाया और कहा, हकम तो अल्लाह की जात है, हकम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जात है, उसी को फैसला करने का इख्तियार है, तूने अपनी ये कुनियत क्यों रखी, तूने अपना ये नाम क्यों रखा। अबू शुरह फरमाते हैं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कौम में जब झगड़ा होता, इख्तलाफ होता, मेरी कौम मेरे पास उस इख्तलाफ को लेकर आती, मैं उनके इख्तलाफ पर फैसला कर देता जिस पे वो राजी हो जाते, और फिर राजी होकर उन्होंने मुझे अबुल हकम की कुनियत मुझे दी और इस नाम से मुझे पुकारने लगे। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, तुम्हारे कितने बेटे हैं? अबू शुरह फरमाते हैं, मैंने कहा मेरे तीन बेटे हैं, शुरह, मुस्लिम, अब्दुल्ला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इनमें बड़ा कौन है? मैंने फरमाया शुरह है। तो अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, आज से तुम्हारी कुनियत अबू शुरह, वो नाम जो खास अल्लाह के लिए हो, या जिस नाम से अल्लाह की सिफत का मतलब और मानी निकलता हो, वो नाम गैरुल्लाह को नहीं दिया जा सकता। चूंकि अबू शुरह करीब ही जमाने में मुसलमान हुए थे, और इस्लाम लाने के फौरन बाद का यह वाकया है कि वो अपनी कौम के काफिले के साथ रसूलुल्लाह सल्लम की अदालत में तशरीफ लाए, आपने उनकी कौम की जुबान से यह कुंजत सुनी और उसको फौरन बदल दी। इमाम बगवी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि हकम का माना यह है, वो हाकिम जिसका फैसला हतमी हो, वो हाकिम जिसके फैसले का इंकार ना हो सके, वो हाकिम जिसके फैसले पर तनकीद ना की जा सके। और यह मनसब सिर्फ एक अल्लाह अज़्ज़ा वजल का है। मालिक अज़्ज़ा वजल बयान फरमाता है, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म फैसला आर्डर सिर्फ एक अल्लाह का है। इस हदीस को सामने रखिए, और अल्लाह के सिफाती नाम हमारी इंडिया पाकिस्तान की गलियों में किस तरह मुर्दों को दिए जाते हैं, उनको भी सामने रखिए, और मोहम्मद करीम की इस हदीस को सामने रख के टकराइए। क्या अल्लाह अज़्ज़ा वजल वहाब नहीं है? वहाब का माना अता करने वाला। वहाब को उर्दू में क्या कहेंगे हम? दाता, देने वाला। पूरी कायनात मंगती है और देने वाला कौन है? पूरी कायनात सवाली है, इनके सवालों को पूरा करने वाला कौन है? पूरी कायनात की झोलियां खाली है, इन खाली झोलियों को भरने वाला कौन है? सारी कायनात मोहताज है, इनको गनी करने वाला कौन है? सारी कायनात मुश्किल में डूबी हुई है, इनका मुश्किल कुशा कौन है? अब अल्लाह वहाब है, अल्लाह दाता है, अल्लाह अता करता है, और वो खुद बयान फरमाता है, या मअशर अल जिन्नी वल इंस, ए इंसानों और जिनो, लव अव्वलकुम व आखिरकुम, इंसकुम व जिन्नकुम, तुम्हारे इंसान और जिन अव्वल और आखिर एक सईद में, एक मैदान में इकट्ठे हो जाए, मांगे, पुकारे, आवाज लगाए, जो जो उनकी तमन्ना हो, तलब हो, मैं सबकी तलब को पूरा करता जाऊं, सबकी चौलिये भर दूं, सबको अता कर दूं, मेरे खजाने में इतनी कमी नहीं आएगी जितनी सुई को समंदर में डाल के निकाल लो, सुई फिर समंदर में से एक कतरे को कम करेगी, रब के खजानों में इतनी कमी भी नहीं आती। तो दाता कौन हुआ? दाता कौन हुआ? दाता किसकी सिफत हुई? लाहौर वालों, हमारे